जैसे पूरी की पूरी फैसल मस्जिद सेम टू सेम हु बहू ऐसी की वैसी है जैसे कि आपको ये नजर आ रही है, आपने ओरिजिनल में देखी होगी। सेम टू सेम वैसे चार मीनार हैं। भजन मामा वगैरह करिए शॉपिंग, अपनी कोई चीज़ ढूंढते हैं गोरा चिट्टा होने के लिए। तो ये देखते हैं क्या है, टायर में हवा वगैरह भरवा ली है, अब चलते हैं डीएचए की तरफ। जिना हाउस दिखाते हैं आपको, कायद आजम साहब का घर। ये कायद आजम मोहम्मद अली जिना के घर का स्केच बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही बनाया हुआ है जैसा उनका घर रियल लाइफ में था ना, बिल्कुल वैसा ही उनका घर बना हुआ है ये। तो लोगों को दिखाने के लिए मतलब भाई स्केच बनाया हुआ है, भी लोग आए देखें यहाँ पे। भाई सिस्टर और अम्मी को उतारने गया, वीडियो वगैरह बनाने की इजाज़त तो है। माशाल्लाह देख कितना बड़ा बना हुआ है यार, माशाल्लाह ज़बरदस्त बना हुआ है। कुल लिखे हुए हैं चारों, इस साइड भी लिखा हुआ है और पिछली साइड भी लिखे हुए हैं, आपको दिखाता हूँ। पिछली साइड में भी कुल वगैरह लिखे हुए इन्होंने और इस साइड में भी लिखे हुए हैं। अंदर दरवाजे वगैरह बने हैं, ऊपर जाने का रास्ता भी है शायद, वो तो बंद किया होगा ऊपर जाने का रास्ता। इस साइड में भी चारों कुल लिखे हुए हैं, ये ऊपर तक ये लिखे हुए माशाल्लाह। मीनारे पाकिस्तान आ गया, ये देखें मीनारे पाकिस्तान का आपको विजिट करवाते हैं। ये तो हमने देखा ही नहीं जाते हुए, नज़र ही नहीं आया यार, माशाल्लाह अच्छा बना हुआ यार ये भी। इधर तो लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी हुई है, वो ज़्यादा बड़ा बनाया हुआ था पिछले वाला, ये इतना खास बड़ा नहीं है। A few moments later, जन ये फैसल मस्जिद माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल वैसी की वैसी बनाई हुई है जैसे वहाँ इस्लामाबाद में बनी हुई है। ये DHM इन्होंने देखे, बिल्कुल वही नक्शा फैसल मस्जिद का, सेम टू सेम वही है। ये आपको पूरी पूरी करके दिखाता हूँ, पीछे से जूम करके, पूरी की पूरी फैसल मस्जिद है, आपने ओरिजिनल में देखी होगी। ये देखें सेम टू सेम वैसे चार मीनार हैं और ये चारों तरफ से वैसी की वैसी बनी हुई है। सैन वगैरह तो नहीं है लेकिन इसमें अंदरूनी जो मनाजिर हैं इसके सारे उसी तरह के बने हुए हैं। चार मीनार हैं ये देखो, एक दो तीन चार, और ये भाई तो जा रहा है वापस गाड़ी की तरफ, हम भी चलते हैं गाड़ी की तरफ। जू हो गया बंद, अब वो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, खत्म बाय बाय टाटा। तो इसी वजह से हम अब वापसी जा रहे हैं घर। वो कहते हैं टिकट वाले भी सब चले गए हैं, 10:30 का टाइम है, आप लेट आयो। यार लेट क्या है यार, पहले असल में हम उधर चले गए, उन्होंने कहा आप चले जाओ अंदर, लेकिन 5 मिनट आपके पास, 5 मिनट में बंदा आप क्या करे, सब कोई भी नहीं था अंदर, सब वापसी आए हैं घर, सब वापसी निकल निकल के आ रहे थे, मतलब हम भी वापस चलते हैं। वापसी जा रहे हैं अब और घर की तरफ, चिड़ियाघर तो बंद था, वापसी के ये DHA से निकल रहे हैं अब वापसी घर की तरफ। ये फौरा देखने के लिए अब रुके हैं, ये लास्ट है हमारा, ये अब DHA के बाहर है, नहाने शहाने वाला सीन तो है नहीं। ये DHA की मेन एंट्रेंस है, सेंटर में फौरा लगा हुआ है और ये दोनों साइडों में DHA के गेट हैं, और ये इंटर होने के बड़ा ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ लगी है ना वो यही लगी है कि फौरा देखते हैं मेन एंट्रेंस में ये फौरा लगा हुआ है। अब आखिर में आ गए हैं मेट्रो मॉल, यहाँ थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी है मामा वगैरह ने, तो मेट्रो मॉल आ गए हैं, अंदर शॉपिंग वगैरह थोड़ी सी करते हैं फिर चलते हैं घर की तरफ वापस, काफ़ी लेट हो गए हैं, उस साइड से चल रहे हैं। भाईजान मामा वगैरह करिए शॉपिंग और हम अपनी शर्ट वगैरह देखते हैं कोई, तो अपनी कोई चीज़ ढूंढते हैं हम कोई गोरा चिट्टा होने के लिए। बहुत तेज हो रहे हैं, ये कोई क्रीम श्रीम ढूंढते हैं, ये देखते हैं क्या है यार, ये थोड़ी है कोई फेस वाश वगैरह कोई नहीं, इधर कोई सीन नहीं है खास। भाई जान वापसी जा रहे हैं मेट्रो मॉल से, एक दो चीज़ें ली हैं मामा ने जो पसंद आई उन्हें, तो वापसी घर चलते हैं, सीधा घर जाना है, ब्लॉग का एंड भी यहीं पे करते हैं। तो उम्मीद है सब भाइयों को पसंद आया होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, आप सब भी खुश रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। जूस आ गया, जूस पीते हैं अब, किसी घर चलते हैं।